मजदूर नहीं मिलने के कारण ठप है रंगरा पीएससी में सड़क निर्माण। रंगरा पीएससी में कायाकल्प योजना से किए जा रहे सड़क निर्माण कार्य मजदूर नहीं मिलने के कारण ठप है। पीएससी प्रभारी डॉक्टर रंजन कुमार ने शुक्रवार को बताया कि नववर्ष मनाने के लिए मजदूर छुट्टी पर गए थे, तब से आज तक मजदूर वापस नहीं लौटे हैं। संभवतः सोमवार को मजदूर काम पर लौटेंगे और कार्य शुरू हो जाएगा। मालूम हो कि घटिया सड़क निर्माण का मामला सामने आने के बाद इस सड़क के निर्माण पर ग्रहण लग गया था। प्रखंड प्रमुख मोती यादव और स्थानीय ग्रामीणों ने घटिया सड़क निर्माण का आरोप लगाते हुए सड़क का निर्माण कार्य रोक दिया था। तब से लेकर आज तक सड़क का निर्माण ठप है। घटिया निर्माण की बाबत पीएससी प्रभारी डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि न तो कोई बड़ी योजना से कार्य हो रहा है और न ही इस तरह के निर्माण को सड़क निर्माण कहना उचित होगा। कायाकल्प योजना से पीएससी के किचन से भोजन को ट्रॉली से वार्ड तक ले जाने के लिए एक समतल पट्टी का निर्माण कराया जाना है। कार्य की लागत 1,00,000 रुपये से भी कम है। सोमवार को निर्माण कार्य में आने वाली रुकावट को बातचीत और विचार विमर्श से दूर किया जाएगा। रंगरा थाने में लगा जनता दरबार, 4 लोगों ने दिया आवेदन। रंगरा के अंचलाधिकारी आशीष कुमार के नेतृत्व में रंगरा थाना में लगाए गए जनता दरबार में 4 लोगों ने भूमि विवाद से संबंधित मामलों में आवेदन दिया है। चारों लोगों को अंचलाधिकारी ने जांच के बाद उचित कार्रवाई करने की बात कही है। जनता दरबार में अंचल कर्मियों के साथ रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खां भी मौजूद थे। सधुआ चापर गांव में पति पत्नी को लाठी से पीटकर किया घायल। रंगरा के सधुआ चापर गांव में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में रुपेश यादव और उसकी पत्नी हीरा देवी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों का इलाज रंगरा पीएचसी में कराया गया है। रुपेश यादव का आरोप है कि गांव के ही सोनेलाल यादव ने उन दोनों की पिटाई कर दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। इस बाबत पीड़ित पक्ष ने रंगरा थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। भवानीपुर गांव में पटवन करने के क्रम में करंट लगने से किसान की मौत। रंगरा प्रखंड के भवानीपुर गांव निवासी किसान जनार्दन शर्मा की मौत करंट लगने से हो गई है। परिजनों ने बताया कि किसान जनार्दन शर्मा पटवन करने खेत पर गए थे, जहां पैरों में बिजली का तार सट जाने से उन्हें बिजली का जोरदार झटका लगा, जिससे वे अचेत हो गए। परिजनों ने आनन फानन में जनार्दन शर्मा को नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। किसान की मृत्यु के बाद उसके परिजन गहरे सदमे में हैं। गांव के लोगों ने परिजनों के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की है। रंगरा पीएचसी में हुए कोरोना जांच में एक भी संक्रमित रोगी नहीं मिला। 114 लोगों का हुआ रैपिड एंटीजन टेस्ट तो 66 लोगों का हुआ आरटीपीसीआर। रंगरा पीएचसी में रैपिड एंटीजन किट से किए गए कोरोना जांच में 114 लोगों में से सबों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रंगरा पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि 114 लोगों के अलावा 66 लोगों का आरटीपीसीआर किया गया है। 66 लोगों को 2 दिन बाद रिपोर्ट दिया जाएगा।